हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। आज हम बात करेंगे इंट्राडे सीक्रेट टिप्स के बारे में। मैं आज आपको इंट्राडे के बारे में 5 टिप्स बताऊंगा। अगर आप इस 5 टिप्स को फॉलो करते हैं तो आपको इंट्राडे में पैसे कमाने से कोई नहीं रोक सकता। मैं एक आपको आंकड़ा बताऊंगा जिससे आप शायद डर जाएं, लेकिन ये आंकड़ा सत्य है। आप भी जानते हैं मैं झूठ बोल रहा हूँ, तो नेट में भी सर्च कर लेना, आपको यही आंकड़ा मिलेगा। वो बात यह है कि जो भी लोग इंट्राडे करते हैं, जितने भी लोग इंट्राडे करते हैं हमारे इंडिया में, उसमें से सिर्फ 1% लोग ही सक्सेस पाते हैं, बाकी 99 लोग अपना पैसा गवा बैठते हैं। यह सत्य है। अब मैं एक चीज़ और बता रहा हूँ, लोग अभी भी 99% लोग इंट्राडे ही करते हैं, क्योंकि 1% जो करते हैं वो होल्डिंग करते हैं, क्योंकि इंट्राडे में आपको मार्जिन मिलता है, आपको ज़्यादा पैसा नहीं फंसाना पड़ता। लोग इसीलिए इंट्राडे में उनको ज़्यादा इंटरेस्ट रहता है। तो मैं आज आपको इंट्राडे में सक्सेस पाने के लिए 5 टिप्स बताऊंगा। अगर आप इस पाँच ट्रिक को फॉलो करते हैं तो आपको इंट्राडे में पैसे कमाने से कोई भी नहीं रोक सकता। आप मैं अगर मेरी बात पर यकीन नहीं हो, सिर्फ आप इंट्राडे टिप्स के लिए सिर्फ पेन कॉपी में भी करके देख सकते हैं, आप उसका जायज़ा भी ले सकते हैं, आपको उसमें 100% सक्सेस मिलेगा। एंड ऑफ द मंथ आपके अकाउंट में प्लस में ही रहोगे, आपको प्लस में ही पैसा रहेगा, आप प्रॉफिट में ही रहोगे, क्योंकि शेयर मार्केट एक ऐसा मार्केट है, एक ऐसा समंदर है जहाँ से आपको लोटे भर पानी निकलना है, लेकिन लोग क्या करते हैं, वहाँ बाल्टी से पानी निकालने की कोशिश करते हैं। बाल्टी से पानी निकालने की कोशिश करेंगे तो बाल्टी फट जाएगा, बाल्टी में छेद हो जाएगा। हमें वह नहीं करना है, ये एक समुंदर है, हमें लोटे में पानी निकालना है, हमें थोड़ा थोड़ा लेना है, हमें थोड़ा थोड़ा पानी निकालना है, हमें थोड़ा थोड़ा अपना प्यास बुझाना है, क्योंकि ये एक दिन, दो दिन, तीन दिन नहीं है, ये ज़िंदगी भर चलने वाला चीज़ है, इसमें लालच ना करें। मैं आज आपको सिर्फ 5 सीक्रेट टिप्स बता रहा हूँ, अगर इसको फॉलो करते हैं तो आप 100% इस मार्केट से पैसा लेके जाएंगे। इंट्राडे सीक्रेट टिप्स में पहला पॉइंट है माइंड सेट टारगेट, मतलब आपके माइंड में एक टारगेट सेट करना है। जैसे कि यह टारगेट रखना है आपके माइंड में कि आज मुझे ट्रेडिंग के दौरान या तो 1000 का प्रॉफिट करना है या 1000 का लॉस करना है। जैसे ही आपको प्रॉफिट या लॉस जो पहले 1000 हो जाए, उसके बाद उस दिन आपको अपना मोबाइल हो चाहे लैपटॉप हो उसको शट डाउन कर देना है, मतलब बंद कर देना है। माइंड में आप क्लियर विज़न रहना है कि आज मुझे सिर्फ 1000 का ही ट्रेडिंग करना है, या तो प्रॉफिट में हो या तो लॉस में हो, हमको सिर्फ 1000 का ही टारगेट लेके चलना है, कि हमारे माइंड में टारगेट डालना है कि आज मुझे 1000 का प्रॉफिट लेना है या 1000 का लॉस लेना है। कई बार क्या होता है, मैं आपको भी समझा रहा हूँ, जैसे कि आपको 1000 का लॉस हो जाता है, उसके बाद आप सोचते हैं नहीं इसको मैं कवर कर लूँगा, एक सौदा और मारता हूँ, उसमें क्या होता है आपका 1000 और चला जाता है, तो कितना हो गया आपका 2000 लॉस हो जाता है। सेम ऐसे जैसे आपको प्रॉफिट होता है, अब आपको 1000 तो प्रॉफिट हो गया, लेकिन आपके मन में ये चलता है यार रात में प्रॉफिट हुआ, मैं एक सौदा ले लेता हूँ। तो इस बीच क्या करते हैं, मैक्सिमम लोग यहीं पे जाते हैं, 1000 का जो प्रॉफिट होता है उसके बाद लोग एक सौदा और मारते हैं, जो आया पैसा भी चले जाता है। इसलिए अपने माइंड में टारगेट लेके चलना है, कि माइंड सेट टारगेट कि आज मुझे 1000 का प्रॉफिट करना है या 1000 का लॉस करना है। इस लिस्ट में सेकंड ट्रिक है, मतलब सेकंड इंट्राडे टिप्स है कि आपको एग्जीक्यूट करना है, मतलब आपके माइंड में एग्जीक्यूट प्लान रहना है। आप पूछेंगे कैसे, तो आपके माइंड में ये एग्जीक्यूट प्लान रहना है। जैसे कि आपके पहला चीज़ क्या है, माइंड सेट टारगेट। अगर आपको 1000 रुपये का लॉस या प्रॉफिट अपने माइंड में सेट किए हैं, तो उसको 3 वे में कन्वर्ट कर लो, मतलब 3 में उसको एग्जीक्यूट कर लो, 3 चीज़ में उसको डिवाइड कर लो, कि मैं 300 रुपये, 300 रुपये और 400 रुपये का 3 सौदा मारूंगा। समझ गए ना बात को, 1000 जो आप माइंड सेट करके रखें उसे एग्जीक्यूट कीजिए 3 ट्रेड में, उस 1000 को आप 3 ट्रेड में डिवाइड कर दीजिए, या 400, 300 या 400, 400, 200, ऐसा आपको जो वेस्ट वे है 300, 300 और 400 रुपए में आप उसे 3 जगह डिवाइड कर दीजिए, और उसके बाद आप 3 ट्रेड लीजिए दिन भर में, क्योंकि आपके पास 6 घंटा ज़्यादा समय रहता है, उस 6 घंटे में आप 3 ट्रेड लीजिए। उससे होगा क्या, अगर आपका तीनों ट्रेड फेल हो जाता है तो आपको मैक्सिमम 1000 का लॉस हो जाएगा। एक ट्रेड प्लस होता है, एक ट्रेड माइनस होता है, और एक प्लस रहता है तो फिर आपके पास कुछ ना कुछ पैसा बच जाएगा। अगर आपके पास 2 ट्रेड फेल होता है, एक ट्रेड पास होता है, तो भी आपको ज़्यादा लॉस नहीं होगा। तो इस जगह इस प्लान को एग्जीक्यूट कीजिए। मैं आपको चैलेंज कर रहा हूँ कि आपका लॉस बहुत ही मिनिमम रहेगा और हमेशा प्रॉफिट में ही रहेंगे। एक चीज़ यहाँ पर, एक चीज़ और है, आपका जो एक 300 रुपये वाला एग्जीक्यूट हो गया लॉस में, और अगला वाला हो सकता है आपको
वो 600 दे दे, 900 दे दे, 1000 रुपये दे दे। तो इस तरह से थिंकिंग से आप ट्रेड कीजिए, अपने प्लान को एग्जीक्यूट कीजिए। आपको इस मार्केट से पैसा निकालने से कोई नहीं रोक सकता। इस इंट्राडे टिप्स में तीसरा चीज़ है और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है स्टॉप लॉस। दोस्तों मार्केट में कोई किसी का नहीं होता, मार्केट में सिर्फ स्टॉप लॉस ही आपका फ्रेंड रहता है। सिर्फ आप स्टॉप लॉस ही आपका दोस्त मार्केट में, बाकी मार्केट में कोई कुछ काम नहीं करता, सिर्फ स्टॉप लॉस ही काम करता है। अगर आप स्टॉप लॉस लगाएंगे तो मार्केट में बहुत दूर तक जाओगे, क्योंकि मार्केट एक भीड़ है, भीड़ में आप कुचल दिए जाओगे। अगर आपके साथ स्टॉप लॉस रहेगा तो इस रेस में, इस रोड में आप बहुत दूर तक जाओगे, इतने दूर तक जाओगे कि पीछे से कोई आदमी आपको पकड़ नहीं सकता। क्योंकि मैं आपको एग्जांपल के तौर पर समझाता हूँ, जैसे कि आपने कोई सा ट्रेड लिया है, आपको उस ट्रेड में मान लो लॉस होगा। जैसे कि आप एक SBI का शेयर परचेस करते हैं, 100 शेयर 300 के भाव में, ठीक है। अगर आप उसमें 2 रुपये का स्टॉप लॉस डालते हैं, आपको अगर आपका स्टॉप लॉस हिट होगा तो सिर्फ 600 रुपये जाएगा। लेकिन आप स्टॉप लॉस नहीं लगाओगे तो वही अगर 5 रुपये टूट गया, 6 रुपये टूट गया, तो सोचो आपको 1500-2000 ऐसी करते करते बहुत पैसा चले जाएगा। अगर आपका 600 रुपये का स्टॉप लॉस हिट भी हो जाता है तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं, आपका एक बार स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, 2 बार स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, लेकिन आगे आपका जिस ट्रेड में आएगा, जिस ट्रेड में प्रॉफिट रहेगा, इस सारे को आप एक ही बार में कवर भी कर सकते हैं। लेकिन आप स्टॉप लॉस को बहुत लंबा रखेंगे तो आपको पूरा पैसा लेके चले जाएगा, आपको अकेला ट्रेड करने के लिए पैसा ही नहीं रहेगा। इसलिए दोस्तों शेयर मार्केट में एक ही फ्रेंड होता है, वो है स्टॉप लॉस। और इस इंट्राडे टिप्स में चौथा पॉइंट है इमोशनल। आपको यहाँ इमोशन नहीं होना है, यहाँ पे आप लोग इमोशनल का कोई वैल्यू नहीं है, यहाँ आपको कोई नहीं देखने आएगा, यहाँ आपको कोई आंसू पोंछने नहीं आएगा। इमोशनल इसलिए कि मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे कि कोई सा शेयर, मान लो ITC की बात करते हैं, अगर आज ITC 5% गिर गया 12-1 बजे तक, फिर आपके मन में तो ये सवाल ये आएगा, अरे यार ये तो 10% गिर चुका है, 5% गिर चुका है, मैं यहाँ पे ट्रेड लेता हूँ। दोस्तों इमोशनल का कोई वैल्यू नहीं होता, अपने इमोशनल को कंट्रोल करके रखिए। वो 10% 5% गिरा है तो उस दिन 5% और जाने का संभावना है, इसलिए इमोशनल की इसमें कोई वैल्यू नहीं है। आप इमोशनल से दूर रहिए, सिर्फ फंडामेंटल में ध्यान दीजिए, टेक्निकल में ध्यान दीजिए, इमोशनल को शेयर मार्केट में कोई जगह नहीं है। दोस्तों इस इंट्राडे सीक्रेट टिप्स में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ और मेन पॉइंट है पांचवा, जिसका नाम है डिसिप्लिन। अगर आप इसमें डिसिप्लिन मेंटेन नहीं करोगे तो आप यहाँ पे नहीं रह सकते। इंट्राडे में आप कभी पैसा नहीं कमा सकते, इंट्राडे में आप 99% में रहोगे। आपको 1% में आना है, तो 1% में आने के लिए मैं जो 5 पॉइंट बताया हूँ उसे पाँचवा पॉइंट के साथ ही डिसिप्लिन करना है। पाँचवा पॉइंट डिसिप्लिन है, अगर आप चारों पॉइंट को फॉलो करेंगे तभी आपका पांचवा पॉइंट डिसिप्लिन आता है। इसलिए मैं दोस्तों डिसिप्लिन होना बहुत ज़रूरी है, अपने आप को डिसिप्लिन कर लो अगर इस मार्केट में सर्वाइव करना है तो, क्योंकि यहाँ लाखों लोग आते हैं इस मार्केट में और बर्बाद होकर चले जाते हैं। इस रेस में रहते सिर्फ कुछ लोग हैं जिसको आप उंगली से गिन लोगे। मैं झूठ बोल रहा हूँ तो आप अपने आसपास के लोग से पूछ लीजिए, जो आपके फ्रेंड सर्कल में ट्रेडिंग तो करते होंगे, जो होल्डिंग करता है, होल्डिंग करने में ज़्यादा पैसा लगता है, जिसकी कैपेसिटी रहता है होल्डिंग करता है। लेकिन इंट्राडे में 99% लोग इंट्राडे ही करते हैं, इसलिए यहाँ पे मार्जिन कम लगता है, यहाँ पे इतना पैसा नहीं लगता, इसलिए लोग इंट्राडे करते हैं। इंट्राडे में अगर इंट्राडे ही करना है तो आपको डिसिप्लिन अपनाना होगा। 5 पॉइंट को फॉलो कर लीजिए, आपको इस मार्केट से पैसा कमाने के लिए कोई नहीं रोक सकता। पहला चीज़ है माइंडसेट, टारगेट कीजिए, आज मुझे इतना ही प्रॉफिट करना या लॉस करना है। सेकंड है आपका एग्जीक्यूट कर लीजिए, आप उस 1000 को प्लान कर लीजिए कि कैसे एग्जीक्यूट करना है। आपका तीसरा पॉइंट है स्टॉप लॉस, इस मार्केट में स्टॉप लॉस ही आपका दोस्त है। चौथा पॉइंट है आपका इमोशनल, आप इस मार्केट में इमोशनल नहीं होना है। और पांचवा पॉइंट और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, चारों पॉइंट को रिविजन करके चारों को फॉलो करना है, जिसका नाम है डिसिप्लिन। आपको डिसिप्लिन में रहना ही होगा इस मार्केट में। डिसिप्लिन रहोगे तो इस मार्केट में आप बहुत पैसा कमाओगे। दोस्तों आपको हमारा वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो कमेंट्स करें और हमारे चैनल मार्केट विद्यालय को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।